गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू वी विल स्टार्ट चैप्टर इलेवन ऑफ क्लास इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट वट इज एल्जब्रा एंड दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन एलजब्रिक एक्सप्रेशन तो हाउ टू मेक द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग पैटर्न एंड अदर थिंग सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एल्जबरा एल्जब्रा क्या होता है जो एलजब्रा होता है दिस वन इज द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर नोन एज वेरिएबल जैसे हम नॉर्मली अभी तक जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ करते थे वो क्या होती थी आपकी वन टू थ्री इनकी मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्टशन अब इनके साथ साथ हम इन क्या यूज़ करेंगे वेरिएबल भी यूज़ करेंगे वेरिएबल आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे आपके एक्स वाई एंड जेड अब इनके साथ काम करेंगे दिस इज़ कॉल्ड एल्जब्रा जैसे नंबर्स आपके बाकी हैं उनके साथ कौन यूज़ होगा आपका वेरिएबल भी अब यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन दी है वेरिएबल की जो वेरिएबल होते हैं वेरिएबल्स टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यू देखो नाम से ही पता है कि वेरिएबल वेरी करेंगे हर इक्वेशन में जैसे आप उसको सॉल्व करोगे कहीं पे भी हो सकता है एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू टू आ जाए दूसरे ही क्वेश्चन में वही एक्स है एक्स की वैल्यू फाइव आ जाए तो इट इज़ नॉट फिक्स एक्स की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा किसी में वन आएगी किसी में टू आएगी किसी में थ्री आएगी इसलिए इसका नाम दिया है वेरिएबल टेक्स ने डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट क्वेश्चन इट इज़ नॉट फिक्स ये फिक्स नहीं है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एल एक्सप्रेशन अच्छा एलजेबरी एक्सप्रेशन क्या होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके वन टू थ्री फोर होते हैं एंड वेरिएबल्स वेरिएबल्स आपके अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई जेड एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड प्लस माइनस डिविजन तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा देखो मैं आपको पहले एलजब्रिक एक्सप्रेशन बता देता हूँ दिस इज कॉल्ड एलजब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप, आपने थ्री एक्स प्लस फाइव लिया इसको कहते हैं एल्जब्रिक एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में दिस इज कॉल्ड कोफिशेंट ये नंबर है और इसको हम कोफिशेंट कहते हैं तो नंबर के साथ साथ नंबर एज ए कोफिशेंट भी यूज हो सकता है तो नंबर्स जहाँ यूज़ करेंगे और नंबर्स एज ए कॉन्स्टेंट भी यूज हो सकता है तो दोनों जगह हम इसको यूज़ करते हैं एज ए कॉन्स्टेंट एज ए कोफिशेंट यहाँ यूज हुआ देखो एक्स के साथ यूज हुआ वेरिएबल के साथ इन मल्टीप्लीकेशन में तो ये क्या बनेगा आपका कोफ़िशेंट बनेगा इसको कोफिशियंट कहते हैं दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इसको हम वेरिएबल कहते हैं ये प्लस जो साइन है दिस इज ऑफर अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब साइन को हम अर्थमैटिकल ऑपरेशन का नाम देंगे प्लस इज अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट इसको हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे तो इस तरह से आपका क्या बनेगा एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन तो क्लियर हुआ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स वेरिएबल एंड ऑप ऑपरेशनल साइन तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है नंबर्स एज ए कोफिशेंट एज ए कॉन्स्टेंट हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले नंबर्स लिखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव आप नंबर्स लिखो नेक्स्ट हैं आपके वेरिएबल variable. वेरिएबल्स आपके अल्फाबेट्स होंगे अल्फाबेट में ए भी ले सकते हो बी बी एक्स वाई जेड दिस इज़ योर चॉइस ये आपकी मर्जी है आपको एल एम एन जो भी लेना है आप ले सकते हो अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशन जब दो एल्जब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हों तो वो क्या बन जाती है इक्वेशन सिंपल फॉर्म में बोले एन इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी दैट इन्वोल्स वेरिएबल देखो इन्वोल्स वेरिएबल तो वो एक्सप्रेशन हो गया और जब दो एक्सप्रेशन इक्वल हों देखो ये भी एक्सप्रेशन है इसमें कोई बात नहीं वेरिएबल नहीं है बट दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन जब ये इक्वल हों क्या साइन आया आपका इक्वलिटी का साइन आया इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्स प्लस अगेन एक्स प्लस फाइव हो सकता था या वाई प्लस फाइव हो सकता था कोई बात नहीं अगर कॉन्स्टेंट भी लोगे तो वो भी आएगा तो इस चीज़ को हम इक्वेशन कहते हैं इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ टू सोल्व दिस इक्वेशन तो उसमें अलग अलग टाइप के मेथड हैं आपका है जो मैथड है वो है ट्रायल मैथड और बाई पुटिंग वैल्यूज़ तो वह आपका जब आएगा क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे तो हाउ टू सोल्व द इक्वेशन वी विल डिस्कस इन एक्सरसाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका पैटर्न पैटर्नस क्या होते हैं दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ मैथ्स स्टिक या एनी थिंग्स देखो कोई भी चीज़ आप किसी पैटर्न में लगाते हो एक मतलब सीक्वेंस होता है उसका अगर आप उस सीक्वेंस में नहीं लगाते तो हम उसको पैटर्न नहीं कहते पैटर्न नंबर का भी होता है मैथ्स स्टिक्स का भी होता है चीज़ों का भी होता है तो अरेंजमेंट होती है किसी भी चीज़ की नंबर्स की मैथ्स स्टिक्स की या कोई और चीज़ आप अरेंजमेंट करो दैट इज कॉल्ड पैटर्न पर वो क्या होने चाहिए एक पर्टिकुलर रूल चलता है उनमें ऐसा नहीं है कि जो दिल किया उठाया और आपने पैटर्न बना दिया दैट इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स मतलब एक जैसी चीज़ों को अरेंज करना विद द रूल रूल के साथ जैसे मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है मैंने यहाँ पे दो मैस्टिक ली हैं उसके बाद मैंने कितनी मैस्टिक ली हैं चार ली हैं अगर आप दो मैस्टिक ल... राइट कर रहे हो तो मैं देखो रूल लिख रही हूँ टू एन ये रूल आपकी हेल्प करेगा कि दूसरे दूसरे उसमें कितनी मैस्टेक्स हैं देखो एन की वैल्यू वन पुट करो देखो टू एन अगर मैं एन की वैल्यू वन पुट करती हूँ तो टू इंटू वन दो पहले में दो ही हैं फिर मैंने एन की वैल्यू टू पुट की तो आपका टू इंटू टू फोर चेक करो दूसरे में फोर ही होने चाहिए वन टू थ्री फोर फोर हैं फिर मैंने टू इंटू थ्री एन को थ्री पुट किया क्योंकि एन की जो वैल्यू है वो हो सकती है जीरो वन टू थ्री फोर तो आप किसी भी पैटर्न को बना सकते हो बाय द रूल ऑफ टू एन अब देखो दूसरे तीसरे में मैंने कहा टू इंटू थ्री होगा तो सिक्स आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब नेक्स्ट आपको पता है कि टू इंटू फोर करेंगे और रेट आएगा काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसको कहते हैं हम पैटर्न एंड दिस इज़ द रूल आप पैटर्न को देख के रूल बनाओगे अगर दो मैस्टिक्स हैं तो टू एन थ्री मैस्टिक्स पहले में यूज़ की हैं तो थ्री एन फोर मेस्टिक्स पहले में यूज़ किए हैं तो फोर एन सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर इलेवन नाउ कम टू द एक्सरसाइज दिस इज एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन इसमें देखो गिवेन है फाइंड द रूल देखो अभी अभी समझाया था मैंने कि पैटर्न में रूल होता है उस रूल को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ़ देखो इस पैटर्न लेटर टी में कितनी मैस्टिक्स हैं तो इसमें देखो वन एंड टू दो यूज हुए हैं तो व्हाट इज़ द रूल फॉर दिस इसके लिए जो रूल होगा वो आपका टू एन होगा आगे आप इसको बना सकते हो देखो मैंने आप ये बनाया फिर उसके बाद आप इसको कैरी कर सकते हो यहाँ से ये करके ऐसे तो वन टू थ्री फोर देन आप इसको एक्सटेंड करके ऐसे करके थ्री बनाया और ये आपका नेक्स्ट बन जाएगा तो आप पैटर्न ईजिली फॉलो कर सकते हो बाय द टेकिंग दिस रूल नेक्स्ट है पैटर्न फॉर लेटर जेड जेड में जस्ट काउंट द मैथ सिक्स वन टू थ्री थ्री यूज हुई है तो जो इसका रूल होगा वो होगा थ्री एन और आपको पैटर्न बनाना है तो पैटर्न भी बना सकते हो नेक्स्ट है आपका दिस इज पैटर्न लेटर यू यू में हाउ मैनी मैस्टिक्स वन टू थ्री तो इसका रूल भी क्या हो जाएगा थ्री एन इसमें दो हैं तो टू एन पार्ट ई में गिवन है पैटर्न ऑफ लेटर ई है ई में मैस्टिक्स काउंट करो कितनी है जितनी मैस्टिक्स होंगी उतना ही रूल अप्लाई होगा अगर आप इसमें चेक करोगे तो इसमें है आपकी वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव है तो यहाँ पे फाइव एन हो जाएगा सिमिलरली फॉर एस एस में काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव हैं तो ये भी फाइव एन हो जाएगा गिवन है ए में गिवन है आपके सिक्स तो इसके लिए जो रूल होगा वो होगा आपका सिक्स एन तो आपको ऐसे रूल फाइंड आउट करना था पैटर्न नहीं ड्रॉ करना बस सिर्फ रूल बताना है तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू दे रखा है वी ऑलरेडी नो द रूल पैटर्न फॉर द लेटर एल सी एफ क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया है सम ऑफ द लेटर क्वेश्चन वन गिवन अबव गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल च आर दिज एंड वाई डज़ दिस हैपन आपको सिर्फ ऐसे बताने हैं जिसके अंदर टू एंड रूल ही लगे क्योंकि आपका यहाँ पर एल दिया हुआ है इसके जैसे ही आपको और बताने हैं तो अगर हमें ऊपर चेक करें तो ऐसे हैं वी एंड आपका टू एन यूज़ हुआ है वी में यूज़ हुआ है सिर्फ तो आपका लेटर हो जाएगा आपका वी तो इसने सिर्फ यही बताया कि वी ऑलरेडी नो द रूट पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एफ़ सम ऑफ द लेटर्स फ्राम क्वेश्चन वन गिवन अब गिवज द सेम रूल एज गिवन बाई एल तो एक ही लेटर है ऐसा वो वी है क्योंकि एल का भी रूल टू एन है और वी का भी रूल टू एन है विचार दिस तो वो वन कौन हो गया वी हो गया वाई डज दिस हैपन क्योंकि इसमें भी दो मैथटिक्स यूज हुई हैं और इसमें भी दो मैच तो सेम पैटर्न है सेम रूल है इसलिए ये सेम है जैसे आप देखोगे एक रो के अंदर कितने कैडेट्स हैं फाइव कैडेट्स हैं फिर थर्ड रो के अंदर फाइव कैडेट्स हैं ऐसे करके आपकी हाउ मेनी रोज एन रो हैं. तो आपको बताना है कि हाउ मैनी टोटल कैडेट्स तो पहली रो में फाइव हैं सेकेंड में फाइव हैं थर्ड में फाइव हैं और अगर एन रो हैं तो टोटल आपका जो रूल होगा वो इसके लिए क्या होगा फाइव एन तो यू कैन ईजिली फाइंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वन तो पहली रो में फाइव हो गए आप टू पुट करोगे तो सेकेंड आपके टेन हो जाएंगे एंड देन थ्री पुट करोगे तो आपके फिफ्टीन हो जाएंगे तो आप इजिली काउंट कर पाओगे नंबर ऑफ कैडेट्स इसने कहा है कि विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स एंड वट इज़ द रूल तो रूल क्या होगा इसका 5n एक एडिट की एक रो के अंदर 5 और n रो हैं तो 5n तो आपको जैसे यहाँ राइट करना है व्हाट इज द रूल तो रूल हुआ इसका 5 है अब सेम एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स आपके पास एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज हैं 50 सेकंड एक बॉक्स और है उसके अंदर भी 50 मैंगोज फिर ऐसे ऐसे करके आपके पास हाउ मेनी बॉक्सेस यहाँ पे b बॉक्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे अगर एक बॉक्स के अंदर 50 हैं दूसरे के अंदर भी 50 हैं तो आप 50 into b कर दो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आ जाएंगे तो गिवन नंबर टोटल नंबर ऑफ इसने पूछा है यहाँ पे राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस तो आपको कितने बॉक्सेस लेने हैं b बॉक्सेस लेने हैं अगर एक बॉक्स के अंदर फिफ्टी मैंगोज हैं और बी बॉक्स के अंदर पूछे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फिफ्टी बी तो आपका ऐसे ही राइट करना है सेम है एक क्वेश्चन नंबर फाइव आपका इसमें भी है देर आर टीचर डिस्ट्रीब्यूट फाइव पेंसिल पर स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट को फाइव पेंसिल देता है कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो एक स्टूडेंट को फाइव पेंसिल मिली और आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं एस तो उसने कितनी पेंसिल्स दी फाइव इंटू एस तो ये क्या होगा आंसर आपका फाइव एस तो आप समझ गए होगे कि क्या रूल फॉलो करना है अगर एक स्टूडेंट को आपने फ़ाइव दी तो आपको पता है कि दो स्टूडेंट होंगे तो टेन देंगे थ्री स्टूडेंट होंगे तो फिफ्टीन देंगे बट अगर एस स्टूडेंट हुए देन हम कितनी देंगे फाइव एस तो इसका आंसर डायरेक्ट इसी बुक में लिख सकते हो फाइव एस बर्ड फ्लाई वन किलोमीटर इन वन मिनट मतलब एक मिनट के अंदर एक किलोमीटर फ्लाई करता है आपसे पूछा है कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रम इन टी मिनट देखो मैं यहां पर टाइम नहीं दे रखा बट यहां पर मैंशन कर रखा है कि टी मिनट में वो कितना फ्लाई करेगा कितने किलोमीटर करेगा तो आपको पता है कि एक मिनट में वन किलोमीटर टी मिनट में वन इं टी मतलब टी किलोमीटर तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है एक मिनट में वो एक किलोमीटर करता है तो टी मिनट में वो टी किलोमीटर फ्लाई करेगा तो आपको सिर्फ क्या कर, बोला हुआ है कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ टी मिनट तो आपको टी मिनट्स में निकल गया आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज गिवन रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ़ दिस एक्सरसाइज हैव ए गुड डे